नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। राजस्व मामले निपटाने को नहीं दे सकेंगे 10 दिन से लंबी डेट, सरकार ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश। राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामले निपटाने के बाद सरकार ने राजस्व अधिकारियों को नए मामलों के लिए लोगों को 10 दिन से लंबी डेट न देने के निर्देश जारी कर दिए। आवेदन के 10 दिन के भीतर पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो को इंतकाल और तकसीम सहित अन्य मामले हर हाल में निपटाने होंगे। खड़ापत्थर पदसारी सड़क का 18.30 करोड़ से होगा स्तरोन्नत कार्य। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के अधीन 18.30 करोड़ से स्तरोन्नत की जाने वाली खड़ा पत्थर पटसारी सड़क के कार्य का भूमि पूजन किया। 19 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा और पक्का कर लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने इसी योजना के तहत 2800 करोड़ रुपए की राशि पूरे प्रदेश के लिए स्वीकृत की थी, जिसमें से विधानसभा क्षेत्र को एक भी पैसा स्वीकृत नहीं हुआ था। दुर्लभ प्रजाति के पक्षी अब खुली हवा में लेंगे सांस। वन्य प्राणी विंग ने चीर फीजन के 12 परिंदों को छोड़ने का लिया फैसला। राजधानी शिमला में वन्य प्राणी विंग ने बर्ड सेंचुरी से पक्षियों को आजाद करने के लिए मुहिम शुरू की। वन्य प्राणी विंग ने इसकी शुरुआत चायल के खड़ीऊन के पक्षी प्रजनन केंद्र से की। वन्य प्राणी विंग ने चायल से 12 तीतरों को आजाद किया। इन 12 तीतरों में कई बड़े पक्षी भी हैं व कई नए पक्षी भी हैं। ये 12 पक्षी अब खुले जंगलों में व खुली हवा में घूम सकेंगे। इन 12 पक्षियों को शिल्ली महल्ला के जंगलों में छोड़ा गया है। छात्रवृत्ति के लिए करना है आवेदन, अब कागज काफी नहीं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएगा शिक्षा विभाग। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों के सत्यापन के लिए नया नियम लागू कर दिया गया। छात्रवृत्ति के आवेदनों का सत्यापन अब फाइल्स में लगी दस्तावेज काफी नहीं होंगे, बल्कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। जिला स्तर पर सत्यापन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से होगा। पूर्व में छात्रवृत्ति योजनाओं के आवंटन में हुए फर्जीवाड़े के बाद केंद्र सरकार ने नियमों में ये बदलाव किया है। विक्रमादित्य सिंह बोले, सही को सही कहता हूं, गलत का विरोध, कमियों को सीएम के समक्ष उठाने में गुरेज नहीं। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैं सही को सही कहता हूं, गलत का विरोध करता हूं। जो कमियां होती हैं उन्हें मुख्यमंत्री और कैबिनेट के समक्ष उठाने में मुझे कोई गुरेज नहीं। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार का एक साल का कार्यकाल चुनौती भरा रहा। पूर्व भाजपा सरकार 80,000 करोड़ का कर्ज छोड़ गई। चौपाल के विशाल ने उगाया 14 फीट ऊंचा मिर्च का पौधा, कृषि अधिकारी ने परीक्षण के लिए भेजा बीज। जैविक खेती में नए नए प्रयोग करने वाले हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल के युवा किसान ने 14 फीट ऊंचा मिर्च का पौधा उगाकर सभी को हैरत में डाल दिया। जिकनी पुल पंचायत के जादाना निवासी विशाल चौहान ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद बिना किसी रसायन के 14 फीट 2 इंच ऊंचा मिर्च का पौधा उगाया है। सूचना मिलने के बाद कृषि विभाग ने पौधे की पैमाइश की। हिमाचल के आईएएस ऋग्वेद सेंट्रल डेपुटेशन पर गए। हिमाचल में साल 2011 बैच के आईएएस अफसर ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर को प्रदेश सरकार ने मंगलवार को रिलीव कर दिया। ऋग्वेद ठाकुर अभी डायरेक्टर पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग कम स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर सेवाएं दे रही थी। ऋग्वेद ठाकुर को केंद्रीय कैबिनेट में डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर तैनाती मिली। ट्रैकिंग गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध, प्रशासन ने सर्दी के मौसम और बर्फबारी को देखते हुए लिया फैसला। सर्दी के मौसम को देखते हुए अब जिला कुल्लू में सैलानी ट्रैकिंग नहीं कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी है। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण कुल्लू के अध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने मंगलवार को इस बारे में आदेश जारी कर कहा कि ट्रैकिंग के शौकीन बर्फबारी के दौरान या उसके बाद जिले की चोटियों पर पर्वतारोहण के लिए आते हैं। पिछले अनुभवों से पता चला कि सर्दियों के मौसम के दौरान मौसम में तेजी से परिवर्तन होता रहता है, जिससे ट्रैकिंग करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है। करसोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतीक सिंह नेगी ने पद से दिया इस्तीफा।
करसोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रति सिंह नेगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को नेगी ने हाईकमान को इस्तीफा भेज दिया है। प्रति सिंह नेगी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के काफी करीबी रहे। वे 7 बार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और पिछले 44 वर्षों से इस पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। जापानी फल की मिठास भर रही बागवानों की जेब, मार्केट में बड़ी डिमांड, न्यूट्रिशियंस की रहती है भरमार। कुल्लू घाटी के जागरूक बागवानों ने सेब पर निर्भर रहने के बजाय मिश्रित बागवानी को अपनाना शुरू कर दिया है, जिसके काफी अच्छे नतीजे निकलकर सामने आए हैं। घाटी के बागवान सेब के साथ साथ अनार, जापानी फल, नाशपाती, प्लम और अन्य गुठलीदार फलों को भी खासा महत्व दे रहे हैं। इसी में से एक है जापानी फल, जिसका उत्पादन पिछले 5 सालों में दुगनी तेजी से बढ़ा है। कुल्लू जिले में मात्र 283.37 हेक्टेयर भूमि में जापानी फल का उत्पादन होता है और बागवानों की आमदनी का जरिया बन रहा है। सिरमौर में हैम रेडियो लाइसेंस धारकों की सबसे बड़ी टीम तैयार, दूरसंचार व्यवस्था नष्ट होने पर भी मिलेगी जानकारी। प्रदेश में किसी भी आपदा से दूरसंचार व्यवस्था नष्ट होने की स्थिति में जिला सिरमौर में हैम रेडियो लाइसेंस धारकों की एक बड़ी टीम तैयार है। जिला सिरमौर में हैम रेडियो के लिए 76 स्काउट मास्टर्स एंड गाइड कैप्टन 2009 से प्रशिक्षित हैं, जो किसी भी आपदा के समय अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कांग्रेस के 1 साल पूरा होने पर भाजपा देगी धरना, हर जिले में होंगे धरने प्रदर्शन, नेताओं को सौंपी जिम्मेवारी। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार का 1 वर्ष 11 दिसंबर को पूर्ण होगा। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में किसी भी सरकार का पहला वर्ष इतना नकारा नहीं रहा जितना वर्तमान कांग्रेस सरकार का रहा। सुखिंदर सिंह सरकार, जिसने 1 वर्ष में प्रदेश के विकास को बंद कर दिया, कानून व्यवस्था पूरी तरह तार तार कर दी, सब ओर नशे की प्रवृत्ति का फैलाव हो गया। डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल, दालें, बिजली महंगी करके जनता पर महंगाई का बोझ लाद दिया। कुल्लू में पकड़ा चरस का बड़ा जखीरा, आनी, घुमारवी और सरकाघाट के रहने वाले हैं आरोपी। जिला कुल्लू में पुलिस ने चरस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच जारी रखी है। एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने बजौरा गरसा रोड पर गश्त के दौरान 26 वर्षीय संजय कुमार निवासी गांव तराला डांखर जाओ तहसील आने के कब्जे से 1.106 किलोग्राम चरस बरामद की है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस टीम ने मणिकर्ण रोड समीप हाथीथान चौक में गश्त के दौरान 19 वर्षीय अंशुल ठाकुर निवासी गांव लहड़ी डांखर सरेल तहसील घुमारवी और 19 वर्षीय तनीष ठाकुर निवासी वार्ड नंबर 5 कुंडलक डांखर व तहसील सरकाघाट से 154 ग्राम चरस बरामद। भरमौर के लूणा में कांगड़ा के युवक की हत्या, 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र लूणा में एक युवक की हत्या हो गई। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।